तो अगर अभी भी आप फेसबुक के पेज के ऊपर काम करते हैं, प्रोफाइल पे काम करते हैं, या कहीं पे भी इस तरीके से कुछ भी कंटेंट पे काम करें अगर फेसबुक पे, तो यहाँ पे फेसबुक ने बेसिकली क्या किया, एक अच्छा इतना बढ़िया अपडेट लेकर आया जो कि अब हर वो क्रिएटर का पेज बूस्ट होगा और नई ऑडियंस ऑटोमेटिक जनरेट होगी जो उस दायरे में उस एलिजिबिलिटी के अंदर आ जाएंगे। यानी फेसबुक ने आप खुद ऐसा चीज़ जनरेट कर दिया जहाँ से आप खुद भी चेक कर पाओगे कि आखिर में कौन सा प्लेटफॉर्म है या कौन सा टूल है, कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अब आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ नई ऑडियंस आती रहेगी। देखो ये बात तो क्लियर है कि भाई आपका जो कंटेंट है वो मायने तो रखता है, बट कंटेंट के अलावा अगर आप चाहे जितनी एफर्ट्स लगा दें, अगर फेसबुक नहीं चाहेगा तो भाई आप चाहकर भी अपने पेज को ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए पहले मैं लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, आप पूरा स्टेप बाय स्टेप आप हर चीज़ देखो ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए कैसे और किस तरीके। जैसे आप डेस्कटॉप स्क्रीन देख रहे होगे तो यहाँ पर एक मेरे पास पेज है जो कि ये पेज है, यहाँ से इस पर बिलेज से रिलेटेड सारी चीज़ें डलती है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 4.3K का फॉलोवर्स का यहाँ पर पूरा टास्क है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे अपने इसके होम पे आओगे, होम पे आने के बाद आप यहाँ पे नोटिस करोगे आपको यहाँ पे एक टूल मिलेगा। देखिए ये रहा, ये टूल आपको यहाँ पे मिलेगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड का। जैसे आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड को ओपन करते हो, फॉर एग्जांपल मान लो जैसे आपने यहाँ से प्रोफेशनल डैशबोर्ड को ओपन किया तो आपके पास एक पूरा लेआउट खुल के आ जाएगा जो कि यहाँ पर देखोगे ये रहा, आप नोटिस करोगे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आप यहाँ पे देखोगे, जैसे ही आप यहाँ पे नोटिस करोगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि है यहाँ पे देखिए पेज एक्सेस। ये देखिए रहा, पेज एक्सेस के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे पेज एक्सेस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे आपको एक टूल देखने को मिलेगा जिसका नाम दिया गया है यहाँ पे पेज रिकमेंडेशन। ये देखिए पेज रिकमेंडेशन का आप यहाँ पर टूल्स देख पाओगे, बहुत कमाल का है ये। देखो इस पे ये रहा, पेज रिकमेंडेशन पे क्लिक करोगे, इसके अलावा अगर आप देखो पेज की क्वालिटी देखोगे तो आपको सब कुछ पूरी प्रॉपर ग्रीन दिखेगा, हर चीज़ कोई भी नो वॉलेशन, कोई भी वॉलेशन नहीं है इसके ऊपर। पेज रिकमेंडेशन पे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे आपको एक नया टूल देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा क्या आ रहा है, विलेज लाइफ पेज रिकमेंडेशन। हाँ बेसिकली रिकमेंडेशन आपको पता ही है कि भाई जब तक आपकी वीडियो आपकी चीज़ें अगर दूसरे लोगों तक नहीं पहुँचाया जाएगा, उनके फीड पर नहीं दिखाया जाएगा तो लोग आपके पास आएंगे कैसे। क्योंकि रिकमेंडेशन का आपका वायरल होने में इन सब चीज़ों के अंदर, कि जैसे इसके इस पेज के ऊपर यहाँ पर ऑलमोस्ट कई वीडियोस मिलियंस ऑफ मिलियंस में गई है, कई लाखों में भी गई है, तो आप यहाँ पर नोटिस करो देखो क्या लिखा आ रहा है कि यहाँ पर देखो क्या लिखा रहा है कि रिकमेंडेबल, और बोलता है कि वी आर हेल्पिंग यू ग्रो योर ऑडियंस बिकॉज पेज लाइक योर ब्रिंग पीपल टूगेदर। और उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि योर पेज इज नाउ इन लिस्ट्स वेयर वी सजेस्ट पेज टू न्यू पीपल्स। यानी भैया देखो ये बोल रहा है कि ये जो आपका पेज है, ये पेज जो है आपका आपके मतलब बेसिकली आपकी जो आपका पेज और आपकी ऑडियंस जो नई ऑडियंस उनके साथ के लिए ये पेज बिल्कुल कह सकते हैं एक नई ऑडियंस क्रिएट करने के लिए बहुत ज़बरदस्त इन्होंने ये चीज़ जनरेट किया। साथ ही यहाँ पे आप नोटिस करोगे इन्होंने बोला कि ये जो पेज है इसको इन्होंने उस लिस्ट में शामिल किया है जहाँ पर वो सजेस्ट करेंगे पेज टू न्यू पीपल्स। आप देखो यहाँ पे स्पेशली मेंशन है वेयर वी सजेस्ट, ये देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कि योर पेज इज नाउ लिट्स वेयर वी सजेस्ट्स पेज टू न्यू पीपल्स। यानी कि ये जो लोग नए लोगों को आपका पेज दिखाते हैं उस लिस्ट में इस पेज को शामिल कर लिया गया है, और जिसमें आप देखोगे यहाँ पे कंटेंट इज रिकमेंडेबल और बाकी यहाँ पे स्टार्टिंग हेल्थी कन्वर्सेशन एंड शेयरिंग यूनिक कंटेंट मीन्स टू, इस तरीके से ये सब चीज़ें आप कर सकते हो भैया। और वी आर शोइंग योर पेज टू न्यू पीपल्स, यानी अगर आप कंटेंट वंटेंट ये सब चीज़ें बहुत प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो ये नई नई ऑडियंस के पास आपका पेज जो है जाता रहेगा। इतना ही नहीं, आप देखोगे यहाँ पे पेज हैज़ नो वायलेशन, गुड जॉब, योर पेज कीप कंटेंट सेफ है फॉर एवरी वन, थैंक्स। तो ये एक काफ़ी कमाल का अपडेट है और आई होप कि आप भी इसको ज़रूर चेक करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कि आखिर में इसको आप फ़ोन में कैसे चेक करोगे। अगर आपको ये सेम चीज़ अगर आपको फ़ोन के अंदर चेक करना तो आप कैसे देखोगे, तो इसके लिए क्या करते हैं मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि आपको फ़ोन में कैसे चेक करना है ये चीज़। जैसे देखिए इसको सेव कर देते हैं। अब अगर आप नोटिस करोगे यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से पहले तो पेज ले लेता हूँ, मैं जो ये वाला पेज है ये पेज मैं एक बार ओपन कर लूँ यहाँ से ये रहा। और ये देखो अभी क्या मेन मुद्दे की बात है यहाँ पे ये भी समझ लो भाई, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये फ़ोन के अंदर भी दिखाए, जो मैंने आपको यहाँ दिखाया ज़रूरी नहीं है कि आपको ये फ़ोन मोड में भी यानी मोबाइल के अंदर भी देखने को मिले। बट लेट्स सी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे प्रोफाइल पे आ गए,
प्रोफाइल पाने के बाद आप नोटिस करोगे यहाँ पे ये रहा मैनेज का, मैनेज के ऊपर मैं यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ फिर से वापस जाके, आई थिंक कुछ हम कहीं और क्लिक कर दिए थे। और ये बात ध्यान रखना आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही होगी पेज है, इसके पेज की सेटिंग पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे सेटिंग पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमें मिलता है शायद। और सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे मान लो आपका सेटिंग पे आते हैं, वेट इस पे दोबारा सेटिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करते हैं। और जैसे यहाँ पे सेटिंग पे आते हैं, सेटिंग पे आने के बाद आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि अगर आपको यहाँ से देखिए सेटिंग पे मतलब जहाँ पे आपका प्राइवेसी का ऑप्शन दिख जाए, आपका जो लाइक जहाँ से आपका आप एक्सेस देते हो, जहाँ से आप लोग आपने लोगों को एक्सेस दिया है वहाँ पे आपको पहुँचना है। अब जैसे आप देखोगे मैं यहाँ पे पहुँच गया और यहाँ पे देखोगे ये मेरे पास एक्सेस ऑप्शंस यहाँ पड़े हुए हैं, बट इसके अंदर आपको यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। चलो इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखो ये रहा पेज यहाँ पे आ गया, ये देखो ये रहा, यस यहाँ पे भी देखने को मिल रहा आपको ऑप्शन, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। अगर आप नोटिस करोगे न्यू एक्सपीरियंस के अंदर आप देखो यहाँ पे पेज न्यू एक्सपीरियंस है और यहाँ पे देखो पेज एक्सेस है, पेज ट्रांसपेरेंसी है और यहाँ पे पेज क्वालिटी है, पेज रिकमेंडेशन है। तो मैं जो बात कर रहा था वो बात कर रहा था ये चीज़ की, ये जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे शायद सेम वो मोड यहाँ पे भी, यहाँ देखिए आप यहाँ पे सेम वो मोड यहाँ पे दिखा रहा है, जिससे कि आप यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भैया आप यहाँ से देखोगे आपका पेज जो चीज़ मैंने आपको लोडी बता रखा है वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मोबाइल मोड में भी इस तरीके से आप देख पाओगे। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि भैया इस तरीके से आप अपने डेस्कटॉप और मोबाइल मोड में दोनों तरीके से देख सकते हो कि आप एलिजिबल हो या नहीं है। अच्छा इतना ही नहीं, अगर मैं यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई भी दूसरा पेज रहेगा तो आपको यहाँ पे पेज रिकमेंडेशन का ऑप्शन शायद आपको देखने को ना मिले। अगर आप किसी और पेज से अगर आपको नहीं मिला है ऑप्शन तो आपको वहाँ पे रिकमेंडेड नहीं दिखाएगा, ये बात ध्यान रखिए। और अगर नहीं दिखा रहा तो थोड़ा धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए, डेफिनेटली आने टाइम पे आपको भी देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे आप डेस्कटॉप और मोबाइल के मोड में आप ये सारी चीज़ें देख पाओगे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सब कुछ सारे डाउट्स पे। बाकी फिर भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है आपकी राय। और एक सबसे खास बात भैया, इस टूल्स के बाद डेफिनेटली आपका पेज ग्रो होने वाला है क्योंकि फेसबुक खुद रिकमेंड कर रहा है आप नई ऑडियंस के साथ। तो काफ़ी कमाल का अपडेट है। बाकी आप बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है आपकी राय और आपको ये टूल मिला या नहीं। और कोई सुझाव, कोई कंसल्टेंट, कोई कुछ भी, अगर आपको कोई पॉलिसी कहीं पे इशू आ रहा है सो डेफिनेटली कैन विजिट माई ऑफिशियल वेबसाइट www.techrajman.com, जहां से आप डायरेक्टली विजिट करके अपनी सारी सर्विसेज या अपने सुझाव वहाँ से ले सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड टेक केयर।